इस ब्लॉक डायग्राम से हम ये समझेंगे कि फोन के अंदर किस तरीके से हमें टेस्टिंग करनी। आप स्टेप की अगर बात करो तो स्टेप में तो आपका पहले आएगा कि आप सबसे पहले आप बैटरी चार्ज कर देखिए कि बैटरी चार्ज है कि नहीं है, फिर सॉर्टिंग चेक करिए कि सॉर्टिंग है कि नहीं है, सॉर्टिंग हटाइएगा, फुल सॉर्टिंग, हाफ सॉर्टिंग, ऑन ऑफ पे वोल्टेज चेक करिएगा, ऐसी समस्याएं तमाम आएंगी। बट बोर्ड की हम अभी यहाँ पर आपको बता रहे हैं, तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना कि चार्जिंग आईसी पे कितना 5 वोल्ट, अगर ये नहीं अगर हो पाता 5 वोल्ट कोई दिक्कत नहीं, तो बैटरी जो लगी है बैटरी से क्या चेक करेंगे आप VPH और VBAT की लाइन, भाई जो चार्जिंग आईसी उससे VPH मतलब कि आउट हो रही कि नहीं हो रही, क्योंकि VPH का मतलब वोल्टेज फोन पावर, पूरे फोन के अंदर पावर देने का काम किसका है VPH का, जैसे ये सेक्शन दिए गए हैं लाइट ग्राफिक 4G 2G APT। अब इसके बाद क्या है, जब यहाँ से वोल्टेज कहाँ पे जाएगा पावर आईसी पे, तो पावर आईसी सबसे पहले क्या चेक करेंगे हम ऑन ऑफ पे वोल्टेज। अब यहाँ पे जो वोल्टेज है ये 1.8 से लेके 4.2 वोल्ट तक अलग अलग फोन के अंदर आपको देखने को मिलते हैं, जैसे क्वालकॉम है तो आपको 1.8, मीडियाटेक है तो 2.8, ठीक है सैमसंग है तो क्या नाम करके पूरा 4.2, जितनी बैटरी चार्ज होगी तो वो आपको देखने को मिलेगी 1.8 से लेके 4.2। इसके बाद क्या है जो पावर आईसी है, जो पावर आईसी के पास में जो क्वाइल्स लगी होती बक क्वाइल का काम क्या होता है, वोल्टेज को कम करना, एम्पियर को हाई, एम्पियर यानी स्पीड, यानी कि जो वोल्टेज है वो बहुत स्पीड से कहाँ पे जाए CPU पे जाए, तो अपनी CPU जो है फास्ट काम कर सके। तो यहाँ पर कितनी क्वाइल लगी हुई है बताइए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 बक क्वाइल है, तो यानी कि 6 स्विचिंग वोल्टेज है इस आईसी के अंदर, क्या है 6 स्विचिंग वोल्टेज, जिसमें से 4 जो है वोल्टेज 1, 2, 3, 4 कहाँ पे आ रहे हैं CPU पे, यानी कि 0.6 से लेके 1.2 वोल्टेज की जो लाइनें हैं वो कहाँ पे जाएंगी CPU पे, और एक कॉइल जो है वोल्टेज होगी 2.05 जिसको बोलेंगे हाई LDO, और एक होगा 1.3 LLDO। जब पावर आईसी से ये बक वोल्टेज बन जाएगा, फ्रिक्वेंसी भी यहाँ से पहुँच जाएगी BB क्लॉक और स्लीप क्लॉक। इसके बाद जब पावर आईसी जब कंफर्म कर लेगी कि भाई चार्जिंग आईसी भी सही है, पावर आईसी भी सही है, CPU तक वोल्टेज भी सही है, ओके हमारी तरफ से पूरा रेडी है फोन ऑन करने के लिए, कोई कमी नहीं है, तो पावर आईसी यहाँ से एक सिग्नल भेजेगी जिसका नाम होगा पावर ऑन रीसेट 1.8 कि हमारी तरफ से तैयारी हो चुकी है पूरी, ठीक है आप अब बताइए कि किसको पावर पहुँचाना है। तो CPU क्या करेगा, सभी आईसीयों से अपना I2C प्रोटोकॉल या SPI प्रोटोकॉल के जरिए पूछताछ करेगा, भाई ऑन होना है, बंदा कमांड बटन दबा रहा है, सब लोग रेडी हो कि नहीं हो, अगर नहीं है तो फिर फोन आपका डेड, कोई कमी होगी। तो जब ये CPU भी सब चीज़ें टेस्ट कर लेगा कि हमारी तरफ से भी पूरी की पूरी तैयारी हो चुकी है आप फोन को ऑन करें, तो यहाँ से एक सिग्नल आएगा CPU से, इसको बोलेंगे PS होल्ड 1.8 वोल्टेज, तो यानी कि CPU भी होगी, यानी कि वन लाइन टेस्टिंग अभी आप को लिखाएंगे, यानी कि चार्जिंग क्रिस्टल और पावर आईसी अगर ओके हैं तभी ये पावर ऑन रीसेट जाएगा किस पे CPU पे 1.8 वोल्टेज, और अगर CPU ओके है तो वहां से एक सिग्नल आएगा PS होल्ड का 1.8 वोल्टेज, तो आपका फोन ऑन होगा जाके।